ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 33 निजी अस्पतालों को कोविड 19 रोगियों के लिए आईसीयू बेड की क्षमता 220 तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आइए देखें ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के कुछ निजी अस्पतालों में कोविड 19 मामलों में स्पाइक और आईसीयू बेड की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने संकट को दूर करने के लिए एक आदेश जारी किया है। राज्य की आप सरकार ने दिल्ली के 33 निजी अस्पतालों को कोविड 19 रोगियों के लिए आईसीयू बिस्तर क्षमता 220 तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, हमने निजी अस्पतालों को आईसीयू बिस्तरों की संख्या 220 से बढ़ाने के आदेश दिए हैं। हमने बड़े निजी अस्पतालों को भी अपने वार्डों में बिस्तरों को 838 तक बढ़ाने के लिए कहा है। कल 220 आईसीयू बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ 838 वार्ड के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बढ़ाने के लिए कहा गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे बेड्स आईसीयू में और वार्ड्स में काफ़ी अवेलेबल है और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के अभी भी 25% के आसपास है, कंफर्टेबल पोजीशन है। परंतु 3-4 हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड कम हो गए थे, इसलिए कल आदेश दे दिया गया कि 220 आईसीयू बेड्स 33 बिग हॉस्पिटल्स में बढ़ाए जाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में आईसीयू और सामान्य बेड दोनों उपलब्ध हैं, जो वहां बेड का संकट होने की स्थिति नहीं है। 3 से 4 अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों की कमी थी, यही वजह है कि सरकार ने आदेश दिए हैं कि 33 बड़े अस्पतालों में बेडों की संख्या में 220 की वृद्धि की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।